तो भाई इंटरनेट और यूट्यूब वायरल वीडियोस में क्या कनेक्शन है? एनी गेस? कोई कनेक्शन नहीं। प्रोमो देखें। ऑलराइट फ्रेंड्स, जी वेलकम टू येट अनदर आशीष व्लॉग्स। और जी आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सनसनीखेज है, हैरान कुन है, क्योंकि मैं आप लोगों से सबसे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो ऐसा कौन सा बंदा है जो कहता है कि उसके घर में इंटरनेट नहीं, आवाज नहीं आई, मतलब कि सबके घर में इंटरनेट है। तो जी एग्जैक्टली अगर हमें एक दिन घर में खाना ना मिले तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमें एक दिन घर में इंटरनेट ना मिले तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो कुछ दिन पहले एक जोक भी बड़ा फेमस हुआ था, और वो जोक ये था कि थैंक्स टू वापडा कि आज सारा दिन घर पे लाइट नहीं थी, तो इसी बहाने इंटरनेट बंद हुआ, तो पता चला कि मेरे घर में भी बड़े अच्छे लोग रहते हैं। तो भाई कहते हैं कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन मेरे हिसाब से लाइफ फास्ट नहीं हुई है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को इस आर्टिफिशियल सोशल लाइफ में, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इन सारे नेटवर्क्स पे हमने अपने आप को इतना फंसा दिया है कि सुबह से शाम कैसे हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। तो मीन्स ये सारा फॉल्ट आता है फिर भी घुमा फिरा कर किस पर? इंटरनेट पर। तो भाई शाम हो चुकी है, और शाम को एज़ यूजुअल आपको पता है अगर जावेद भाई से मुलाकात ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो भाई आए हैं जावेद भाई के पास और जावेद भाई के इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखें जावेद भाई कितनी देर में। और लो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जावेद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है भाई। वैसे रोज़ जावेद भाई से मुलाकात होती है, लेकिन आज थोड़ी सी जल्दी मुलाकात की। हाँ तकरीबन 4:15 बजे की, मतलब एक घंटा पहले हमारी मुलाकात हो रही है, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है। अच्छा, लेकिन स्पेशल तब होगा, पहले मुझे ये बता कि तेरे पास इंटरनेट है घर पे? जल्दी बता, जल्दी बता। घर पे नहीं है, मैं मोबाइल में मतलब यूज़ करता हूँ। मतलब इंटरनेट का यूज़र है ना तू? हाँ यूज़र हूँ। मतलब इंटरनेट है ना भाई? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बता कि तुझे पता है कि इंटरनेट इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे चलता है? क्रिकेट करवा। तो भाई इस चीज़ का एहसास मुझे भी कल हुआ यार, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या हुआ कि कल हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ख्याल से गाड़ी चलाते हैं और फिर बात करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। कैमरा जाती है जावेद भाई के पास, उसके बाद हम बात को कैरी ऑन करते हैं। ओके। तो जावेद भाई सीन ये है कि कल मेरी मुलाकात हुई हमारे एक बहुत पुराने जिगरे दोस्त से, जिसका नाम है सलीम रजा सुमरो साहब। तो इत्तेफाक से चाय पे बैठे हुए थे, मतलब चाय पे नहीं बैठे हुए थे, कुर्सियों पे बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। तो सीन ये हुआ कि बात यही निकली कि भाई तेरे पास इंटरनेट है? मैंने कहा भाई है। भला ये इंटरनेट को किस तरीके से चलाया जाता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, क्या तुझे पता है? तो मैं भी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए सन्नाटा। अच्छा, वो आवाज़ आ रही थी कानों में, इतना सन्नाटा क्यों है रे भाई? अच्छा, तो उसने मुझे ये कहा कि भाई मैं अभी स्टॉर्म फाइबर कंपनी में बिजनेस यूनिट हेड हूँ हैदराबाद का, तो अगर तुम फारिग हो तो कल आ जाओ। तो मैंने कहा यार सीखने की उम्र है अभी, तो क्यों ना ये देख लें आखिर ये चीज़ है क्या। तो आज हम इसी मिशन पे निकले हैं कि सीखते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। चले सर। आश भाई, हाँ, कासमाबाद घूम रहे, ऑफिस कहाँ है? यार उसने मुझे बताया तो कुछ ऐसे ही था, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ। उसने मुझे कहा था कि अली पहले से सीधे आ जाना। अच्छा, और बस आगे ही चल के उल्टे हाथ पे मेरी ऑफिस आ जाएगी, बस पहुँचने वाले होंगे भाई। वो अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, हम इसके ऑफिस ढूंढ लेंगे दादा। Hey!
सो जी, फाइनली हम स्टॉर्म फाइबर के ऑफिस में पहुंच चुके हैं और दोस्त पुराना है तो मेरे ख्याल से पहले फ़ोन करता हूं ताकि अंदर अगर जाएंगे ना तो यूँ थोड़ा सा कॉलर को ऊपर उठाकर और सीना तान के फिर चलेंगे। तो मेरे ख्याल से पहले फ़ोन करते हैं, अल्लाह के फ़ोन उठाया, बेइज्जती ख़राब ना हो जाए। देखें नहीं दिखा यार, इसका नंबर बड़ा वो है, लोग उसको तंग करेंगे, बहुत खूबसूरत है, आवाज़ देखेगा तो आवाज़ जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़, ऊपर देखेगा कैसे, आवाज़ तो सुनेगा ना। बेइज्जती ख़राब, अभी तो बेइज्जती ख़राब हो गई दादा, ना कर यार, सबके सामने जलील रुस्वा हो जाऊंगा मेरे भाई। दोस्त है सर, बात डरते बिठो यहाँ सर, सर आप जल्दी आ जाए सर, इंतजार कर रहा हूँ आपका मैं सर। देख रहे आप कितनी इज्जत है भाई की। बिजनेस यूनिट हेड खुद दरवाजे पर आएगा भाई को वेलकम करने के लिए, थोड़ा मैं सीना थोड़ा सा यूं कर लेता हूँ, चलो आओ जाओ भाई। ये है हमारे वो दोस्त सलीम रजा सुमरो साहब, और चलते हैं आज इनसे बहुत सीखना है मैम, और भाई टाइम है ना आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम बहुत आज है, आपको भी वीडियो बड़ी शूट कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू आसिफ सर, आपने आके हमारी इज्जत बढ़ाई और माशाल्लाह आजकल आप बड़े भी लोगों पे काम कर रहे हैं। थैंक यू, काफ़ी दिनों से हमने भी कहा कि हमारे साथ भी बैठेंगे, गपशप लगाएं। मुझे पहले ये बताया कि स्टॉर्म फाइबर बेसिकली मतलब क्या चीज़, कैसे काम करता है? स्ट्रॉन्ग फाइबर इज अ टेलीकॉम कंपनी जहाँ पे हम ट्रिपल प्ले सर्विसेज दे रहे हैं और पावर्ड बाय द साइबरनेट, इट्स अ डिवीजन ऑफ द साइबरनेट कंपनी। ठीक है, जो साइबरनेट है इट्स अ लैक्सन ग्रुप, द लैक्सन ग्रुप वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954। तो स्ट्रॉन्ग फाइबर फॉर द कंज्यूमर सर्विसेज, साइबरनेट इन अ कॉर्पोरेट लीडिंग कंपनी। अभी स्ट्रॉन्ग फाइबर पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है, अभी 7 शहरों में और 8वें शहर अभी गुजरावला में लॉन्च कर रहे हैं। अनमेस्ड क्वालिटी सर्विसेज हमारी बरीड नेटवर्क है, हमारा जो स्लोगन है जी टोटल क्वालिटी नेटवर्क है हमारा, और आफ्टर सेल सर्विसेज हैं और कस्टमर नीड के साथ हम चल रहे हैं, HD क्वालिटी टेलीविजन के साथ, इंटरनेट हाई स्पीड और कमिटेड इंटरनेट के साथ चल। अच्छा फोन लाइन भी देते हैं हम? फोन लाइन, हाँ ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच। वैसे ट्रूली स्पीकिंग मेरे से जब रात को आपने ये पूछा था ना कि इंटरनेट क्या है, तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार इसने क्या सी चीज़ पूछ ली, यही बात मैंने जाऊ से पूछी, जाऊ भी कंफ्यूज था, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या चल। इंटरनेट प्लस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी FTTH, इंटरनेट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और अ डिवाइस जो इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट FTTH पे कैसे चलता है वो मैं आपको समझाता हूँ। FTTH क्या है ये भी बता दे यार। FTTH इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फाइबर टू द होम। ओके, इससे पहले क्या होता था कि जी पहले आप घर तक फाइबर नहीं था, ठीक है, समंदर तक फाइबर था जहाँ से सर्विसेज चलती थी, फिर उसको मीडियम में कन्वर्ट होकर ट्रेडिशनल कॉपर पे चलती थी आपके पास सर्विसेज। FTTH लाइट पे काम करता है, ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिक वो लाइट को लेके कैरी करता है, ठीक है, इंटरनल फ्रैक्शंस के साथ, और जो लाइट की स्पीड है वो 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकेंड है। पहले मेरे पास वो पुराने ज़माने वाला इंटरनेट चलता था, उस पर सर्विसेज में इश्यू होते थे, कभी कुछ मसला, कभी कुछ मसला, कभी तार कट गई, वो कभी जो है वो उनको फिर सर्विस वाले को कॉल करो तो 10-10 दिन नहीं आते थे। लेकिन फिर मैंने कोई एक हफ्ता पहले मैंने स्टॉर्म फाइबर वालों की सर्विसेज यूज़ की, मेरी इस सर्विस माना ये सर्विस मेरी उस सर्विस से बहुत बेहतर है। एज ए दानिश लाखानी इज़ वेरी यंग और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और वो मुस्तकिल टेक्नोलॉजी को इवॉल्व कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने साइबर नेट। क्या नाम बताया आपने सीईओ का? दानिश लाखानी साहब। दानिश लाखानी साहब, ये तो वही लखानी लैक्सन ग्रुप, लैक्सन कंपनी, लैक्सन ग्रुप कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है, तो प्राउड टू बी पाकिस्तानी। और जो है अभी हमने स्ट्रॉन्ग फाइबर को लॉन्च किया है हैदराबाद में, तो हमने जुलाई 2018 को ऑफिशियल लॉन्च किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हैदराबाद, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोड डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं और सर्विसेज को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। जो हमारा स्लोगन है वो क्वालिटी सर्विसेज। ओके ठीक है, तो इसका क्या होता है? ये देखें, ये कोटिंग हुई हुई है प्लास्टिक जैक के साथ, ये
ये फाइबर जो है आपके बाल से भी बड़ी पतली है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी क्या है फाइबर ऑप्टिक की कि जी जहाँ पर आपके पास ये एक 26,000-25,000 टेलीफोन लाइन्स को कैरी करके चली जाती है, ठीक है? अच्छा, हाँ, जहाँ पर आपको इतने सारे कॉपर पेयर चाहिए मगर ये सिंगल पेयर में आपको डिलीवर कर रही है। और ये आपको जीपॉन सर्विसेज अभी हमारे पास हैं, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। अच्छा। जिसपे 2.5 तक और 1.25 तक अपलोड सर्विसेज है। इंशाल्लाह ताला हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हैदराबाद में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इट्स फैसिनेटिंग, देखिए अभी जो है आप इस चाय को बुला रहे यार, जिसके लिए बुलाया था तूने यार। ये एक दिन जियो के साथ वाला प्रोग्राम नहीं कर लिया वो जिसमें सारा दिन खाने का होता है, घर वर से बात कर आ जाती है जनाब, चाय आ रही है भाई। ये कल्चरल वैल्यूज में आ जाता है कि यार बंदे ने चाय नहीं पूछी। और मैं बड़ा कीन होता हूँ, जब भी मेरे पास कोई गेस्ट मेरा कस्टमर आता है मैं बिल्कुल उसको चाय सर्व भी करता हूँ, पूछता भी हूँ कि जी सर चाय पी लें, बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन। और हम चाय मांगते हैं बहुत फ्री है, बचपन के दोस्त है ना यार, चाय पिला लियो भाई, चाय के साथ बिस्किट भी मंगा लियो। काश भाभी इनको चाय बना के देती नाश्ते में तो ये सारे दुख तूने सारे शोहरों पे जगा दिया आज सारे शोहरों के नहीं वो देख सबसे ज्यादा तो वो कैमरा में सुन रहा तो भाई अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, बिलाखिर चाय आ चुकी है, चाय के साथ उसके लवाजमात भी आ चुके हैं। सलीम भाई चाय की तारीफ हम कर चुके हैं, साथ में ये जो आपने तकलीफात की हैं क्यों की है इतनी यार? सर बस आप बंदे ही वर्थ वाइल हैं और हमारे लिए मौज यार, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत कर दिया दादा, इतना कौन, हम तो सिर्फ चाय सब खाना चले नहीं कर खाना ऐसा जाओ कट मार कुछ खाते पीते और उसके बाद काम आप शुरू करना। ओके आ जाओ। जिससे हम सीख भी सके, मैं बड़ा अनाड़ी हूं, मैं पढ़ नहीं सकता हूं, मैं सुन के नहीं समझता हूं। अब आप और हम व्लॉग का क्या है, आपकी डिमांड है, इट इज नॉट समथिंग लाइक द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, तो व्लॉग के हिसाब से मैं आपको उसको बताता भी हूं, थोड़ा सा चलते भी हम फील्ड में कि हाउ इट्स वर्क। जबरदस्त, चले भाई चले निकले बाहर निकले चलो। जा रहे थे एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अच्छा, ये आपकी गाड़ी है जो स्ट्रॉम फाइबर की, जो हमारी एक्सिस की टीम है, जो फील्ड की टीम है। आ जाएं दो मिनट। सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो वायरल होना चाहिए। जाओ भाई क्या कहता है? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा होगा भाई। अभी सलीम भाई को हम खुदाफिज करेंगे, बैठे तो आपको एक और चाय पिलाया। नहीं सर अभी फट जाएंगे। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंटरटेनिंग डे रहा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव डे रहा यार, बड़ा मज़ा आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अगर यहाँ तक आप लोगों ने हमारा वीडियो देख ही लिया है तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही आशी डेली व्लॉग्स में से आशी को और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सलीम रजा सुमरो साहब सिया।